मैं समय जम्मू के ऑक्सीजन वॉर रूम में हूँ और ये 24/7 ऑक्सीजन वॉर रूम आज से शुरू हो गया है जम्मू में तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए जिन्हें ऑक्सीजन संबंधी कोई भी ज़रूरत है उसको जो है सरकार अब इस वॉर रूम से जो सहायता है वो देगी। और सबसे बड़ी बात ये है इसे जो है उद्योग भवन में एस्टेब्लिश किया गया है जो मिनी कॉन्फ्रेंस रूम में, और यहाँ पर आप ये तमाम एम्प्लॉइज़ देख रहे हैं जो कि 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। 2 नंबर्स इसमें दिए गए हैं 9469593931 और 9469593933। ये दोनों नंबर हैं जिस पर आप कॉल कर ऑक्सीजन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उस पर बात कर सकते हैं। अगर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है और वो होम आइसोलेशन में है तो उसको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ से आप अपनी डिटेल्स देके उनसे उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का जो है वो इंतज़ाम करवा सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार कॉलिंग में लगे हुए हैं, डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। और आज सुबह से लगभग अगर हम बात करें 2 शिफ्टों में अभी तक 80 से ज़्यादा मोर देन 80 कॉल्स जो हैं उसे ली गई हैं, जिसमें कि जो पेशेंट्स हैं लगातार अपनी जो मेडिकल डिटेल्स हैं हेल्थ डिटेल्स हैं वो दे रहे हैं और उसके बाद उन हेल्थ डिटेल्स को मॉनिटर करके यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट्स का एड्रेस दिया जा रहा है और उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप किस पर्टिकुलर जगह से ऑक्सीजन जो है वो ले लें। मेरे साथ ये तमाम जो टीम लोग हैं मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए आज से वॉर रूम शुरू हुआ है किस तरह से आप काम कर रहे हैं और जेन्युइन पेशेंट है इसको किस तरह से आप वॉच कर रहे हैं? देखिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो COVID-19 पैंडेमिक की सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है, ये सबको पता है। पूरे इंडिया में इस समय बहुत ही कोहराम मचा हुआ है, बट सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट लगी हुई है इस चीज़ को टैकल करने में वो काफ़ी सराहनीय है। आज से इस हमारे जम्मू डिवीज़न के अंदर यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑक्सीजन वार रूम जो है यहाँ पे खोला गया है जिसमें 24/7 आवर जो है यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे रहेंगे और जो भी कॉल जिनको भी मतलब ऑक्सीजन की अर्जेंटली ज़रूरत है उनकी कॉल को यहाँ पे अटेंड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आपको कॉल कर रहा है तो आप उसको किस तरह से उसकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं और कैसे उसको जो है वो असिस्ट कर रहे हैं? पहले हम उसकी डिटेल जानते हैं और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो वो सारी चीज़ें जान के हम जजमेंट कर लेते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना ज़्यादा सीरियस है। और उस चीज़ को ये तो हो गया वर्बली, उसके बाद हम उसे जो है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन हो गई या जो भी उसके जहाँ पे उसको लिखा हो गया है कि वो पॉजिटिव है या उसका ऑक्सीजन लेवल कितना, सेचुरेशन लेवल कितना आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट हम उससे जो हमने यहाँ पे 2 नंबर जो जारी किए हैं जिस पे हमें वो कॉल कर रहे हैं उस पे वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ईमेल आईडी जो है वो भी अपना जो है लोगों को बताया हुआ है, वो वहाँ पे हमें ये डॉक्यूमेंट जो है सेंड करते हैं, फिर हम यहाँ से उसको डाउनलोड करके तो यहाँ पे उसका ऑर्डर बना के तो डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मैडम जो है उससे उसके साइन करा के तो उस बंदे को उस पेशेंट को यहीं से हम उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, उसको आने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से ऑर्डर की कॉपी लेके या उस फोन के साथ लेके जो कंसर्न एजेंसी है वहाँ से जाके अपना सिलेंडर जो है ले सकता है। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ आज लगभग 80 कॉल अभी तक आपने अटेंड किए, 80 कॉल्स हैं, ज़्यादातर कहाँ किस रिगार्डिंग वो जो कॉल्स आ रही हैं वो ज़्यादातर होम आइसोलेशन से जुड़े हुए लोग ही? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा हमारे पास सुबह से हमारे पास यहाँ पे 8-10 लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली विदाउट मतलब एक कॉल के बाद दूसरी कॉल जहाँ पे आ रही है और यहाँ पे सारे स्टाफ जो हैं आज सुबह से किसी ने अभी तक मुझे नहीं लगता लंच भी किया होगा क्योंकि प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है। तो कॉल हम पहले उनका रजिस्टर हमने एक मेंटेन किया, वहाँ पे उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। कॉल जो हमें आ रही है वो हर मिक्स तरह की आ रही है, गवर्नमेंट में जो पेशेंट्स एडमिटेड है वहाँ से भी आ रही हैं, कुछ जो घर में आइसोलेटेड हैं वहाँ से भी आ रही हैं, कुछ प्राइवेट्स हैं उनकी भी आ रही हैं, हमें सबकी तरफ से आ रही है। लेकिन उनकी जेन्युइनिटी जानने के लिए हम उनके जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन दी हुई है या फिर हम कई बार क्या कहते हैं कि अगर सिटी हॉस्पिटल से रिकमेंडेशन लेटर देता है, सपोज अगर कोई प्राइवेट है घर पे है तो उसकी जेन्युइनिटी जानने के लिए हम क्या कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर जो है फ्रॉम सीडी हॉस्पिटल वहां से वो हमें भेजेंगे, अकॉर्डिंगली हम जो है उसका ऑर्डर निकाल के तो उसको सिलेंडर जो इशू कर देंगे। जिस तरह से सर कॉल्स आ रही हैं क्या इससे लग रहा है कि कोई ऑक्सीजन की कमी है अगर हम बात करें आम जनता के नज़रिए से? मैंने जो डाटा देखा है इसमें अलग अलग किस्म के पेशेंट आ रहे हैं, किसी का ऑक्सीजन लेवल 89% है, किसी का 80 है और कुछ का इससे भी बहुत कम है। तो हम वहाँ से भी कंपेयर कर लेते हैं कि किसको ज़्यादा इस समय सीरियसनेस है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जो होगा वो ज़्यादा है, अब 89 है और एक का 80 आ रहा है तो वहाँ से हमें पता चल जाए ज़्यादा सीरियस कौन है और उसको हम जो है अर्जेंटली जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि जो वॉर रूम जम्मू में इंस्टॉल किया गया है वहाँ पर ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं, लगातार कॉल्स भी ले रहे हैं। साफ तौर पे मंशा यही है कि जो भी लोग इस समय जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा है 52
से पार हुआ है और लगभग 4700 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। सरकार की यही मंशा है हर एक व्यक्ति तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंचे, उसके लिए जम्मू और पैरेलली श्रीनगर में वॉर जो ऑक्सीजन वॉर जोन है उसे बनाया गया है।